अस्सलाम वालेकुम जो तोई फैम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आज सैटरडे है और हमारा आज तो हम नाश्ता लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। नाश्ता क्या करेगी यार? नान चले। चने वाला इतना दूर है कि हम यहाँ पे पैदल ही आ गए। जरा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी साथ साथ आयरा की। आप बाबा को छोड़ के कहाँ भाग गई थी? है? मैं वहाँ पे इसके साथ जा रहा हूँ, रास्ते में पापा मेरे इसको लेके चले गए और चली गई। ये नाश्ता पकड़ो, नाश्ता मामा को भी लग गया। ओए, 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 जालिम लग रहे हैं आज। फिर आपकी डाइट खत्म हो गई ना? आज यार टेस्ट इतना कोई खास नहीं है इसका। इसमें ना जब हम लोग लेट हो जाते हैं ना तो वो लोग इसमें पानी डाल देते हैं। आज इसमें पानी डाला हुआ, इस वजह से इसका टेस्ट जो वो बिल्कुल मजे का नहीं है। टेस्ट पता है क्यों मजे नहीं है? क्योंकि आज आपने स्पेशल खाने थे उस दिन, तो डाइट पे इसलिए वो मजे के। जब मैंने खाना होता ना तब ऐसा ही होता, खाना अच्छा नहीं मिलता। कल रात को भी मैंने थोड़ा सा नान खाया था, आज भी मैं नान खा रहा हूँ लेकिन पेट भर के मैं अभी भी नहीं खाने वाला। आप जा रही हैं फिर? मैं जा रही हूँ। कल वाली हुडी पहन के फिर से जा रहे हैं। आयरा भी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। आशा भी जा रही है, आयरा भी जा रही है और हम आज घर पे अकेले हैं। वो आयरा कहीं तो आई थी, दूध भी, खाना भी, पैंपर्स भी, कपड़े भी। बेटा आपका सामान अपना कम होगा, बच्चों का ज्यादा ही होता। चलो आयरा को छोड़ना फिर तुम्हें वहां पे फूफो की तरफ। चलो चलो ठीक है, ओके बाय बाय। पापा और मैं घर पे हूँ। मैंने असल में देखनी थी मूवी और जब तक घर पे आयरा हो मूवी का कोई सीन ही नहीं है। या तो आप सिनेमा में जाके देख सकते हो या घर पे आप मूवी बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ये दोनों चले गए, मैं अब आराम से बैठ के देखूंगा मूवी। नेटफ्लिक्स पे आई थी अभी कुछ दिन पहले, आमिर खान की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अपनी लाल सिंह चड्ढा कुछ ऐसे करके थी। तो बड़ी तारीफें सुनी है उसकी, तो बस अभी मैं वही मूवी देखने लगा। लेट्स गो यार, मूवी देखने के लिए बड़ा स्टेमिना चाहिए। मैं तो वहां कोई आधा घंटा बैठूं तो मेरी बात तो हो गई है। बड़ा अरसा हो गया मूवी नहीं देखी मैंने। अभी मैं कॉफी बनाने के लिए आया हूँ, कॉफी बना के जाते हैं फिर जाके मूवी कंटिन्यू करते हैं। ये पापा की स्पेशल चाय पापा मेरे लिए बना के लाए हैं। अरे तो है स्पेशल, जब मैं ये पीता हूँ ना यकीन कर उसके कुछ दो मिनट बाद ऐसा खुशबू और डकार आता है चाय के बाद। विश भी मैंने देख लिया और अच्छी मूवी थी। अभी टाइम हो रहा है कोई 7 बज रहे हैं और बेगम जो है वो अभी तक नहीं आई। अभी यार मैं एक काम करने लगा, मुझे पता है कि उसके बाद मुझे थोड़ी सी ना जरा झाड़े झूड़े पड़ेंगी, लेकिन मसला यह है कि मेरी जो दाढ़ी है ना इसके अंदर बहुत डैंड्रफ आ जाती है तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं कोई एक हफ्ते के लिए ना दाढ़ी जो है वो उड़ाने लगा। हाँ एक बड़ी अच्छी खबर है, खबर ये है कि शादी जो है, जो शेंदी का दिन है, शेंदी का जो टाइम है वो शाम का टाइम है, कोई 4-5 बजे का। तो चांसेस हैं कि मैं कम्पीट कर सकता हूँ और मैंने अपना मूड अच्छा खासा बनाया हुआ था, इनकी वजह से मैंने फिर मूड चेंज किया। अब मुझे दोबारा पता चल रहा है कि टाइम जो है वो शाम का है, तो चांसेस हैं कि मैं कम्पीट करूंगा। मैं अपनी तैयारी कॉम्पिटिशन के हिसाब से ही कंटिन्यू करूंगा। सब ठीक है, बस इसकी चार्जिंग खत्म ना हो जाए। हाय मेरे को डर लग रहा है भाई, घर वाले देखेंगे तो बोलेंगे। सबसे पहले तो आरफा ने करनी है मेरी। सोचो मैं ऐसे बाहर चला जाऊं, बहुत बुरा लग रहा हूं। अच्छा चलो खैर बड़ी देर बात करूं, देखते हैं क्या होता है। ऊपर से यार ये इस तरह का शेवर है कि बिल्कुल ये ना वो बेबी स्किन कर देता। देखो मुझे कैसे उतारू, मुझे शर्म आ रही, मेरे को छम्मू आ रही है। मामा मिया, पुराने जमाने के विलन ऐसे रखते थे मुझे। यहां से तस्वीर बनाते हैं। Come on, you can do this. Come on. You can do this, Jatoi. Come on. अब मैं अपने पिंड का लड़का लग रहा हूं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओए हर जगह कुत्तों वाली हो गई, जिम में भी बड़ी कुत्तों वाली हो गई। आपस की बात है, वैसे जितना जहर मैंने सोचा हुआ था उतना जहर लग नहीं रहा अभी, क्योंकि वेट लूज किया रहा है तो मुंह थोड़ा सा पतला हुआ। पहले तो वक्री आलू निकल आता था बीच में से। यार ये हर सर्दियों में ना मुझे करना पड़ता है इस तरह, क्योंकि डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता। 2 hours later आरफा वापस आ गई है। अब आरफा और आयरा का दोनों का जाकर रिएक्शन नोट करते हैं। मुझे पता है आरफा ने तो बोलना है, आयरा देखते क्या करती है। बेटी कहाँ? बेटी दो।
आरफा ने अभी तक नोट नहीं किया है ना बाबा बोलो दूध के छोड़ो तुमने नोट नहीं किया कुछ अभी तक क्या बस इतना सा अभी आ रही है पापा कब के गए जाना मामा की तरफ नहीं अभी जाता हूँ ना यार आते साथ मेरा वाले अच्छा अच्छा अरे बाबा को तो देखो यार इसको तो देखो सर लगा के तो दिखाओ आपकी इतनी सारी चीजें हैं यहाँ लगा के अरे वाह ये तो फुल तुम मर्दाना जूता ले आई हो है हाँ इतना ठीक है ये बन रहा है मेरा शुआरमा ये सॉस है ये इसकी सैलेड भाई का कंट्रोल चेक किया दो शुआरमों से आधे शुआरमे पे आ गए मुझे पता है कि कंप्लीट करना है ये क्या किया तुमने पागल यार माशाल्लाह खाने की शक्ल चेक करो कितनी प्यारी लग रही है ओए होए होए अरे मुंह में पानी फेर नहीं अभी कोई आधा घंटा पहले ना मैं सामान लेके आया हूँ और आशा मैडम आप मुझे कह रही हैं कि पत्ती दोबारा लेके आए तो रात को एक बजे मैं और आयरा हम लोग जा रहे हैं पत्ती लेने के लिए और आशा कह रही है कि मैं आप लोगों को ऊपर से देखूंगी ये नई दुकान खुली है पिज्जा की इनका पिज्जा ट्राई करना पड़ेगा कोई भी नया बिजनेस खुले ना उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए मैं ऊपर ऊपर से कह रहा हूँ अंदर से मैंने पिज्जा खाने की नीयत हुई है मेरी ना मम्मा को कॉल करते हैं और मम्मा का रिएक्शन नोट करते हैं देखने मम्मा क्या बोलती है वीडियो कॉल मामा मम्मा नूर या अरूब इनमें से अगर कोई फोन उठा लेना नूर को कर दो मम्मा ने जवाब ही नहीं देना मुझे पता है ना अपने आप को ही देखते रहो नहीं मैं देख रहा हूँ अपने आप को नहीं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ ये कॉलिंग आ रहा है कि रिंगिंग आ रहा है इन्हें भी नहीं चुकना अरूब को करते हैं तीनों नहीं उठाएंगे देख लेना 6 hours later हां जी क्या हुआ क्या रिकनेक्टिंग मम्मा कह रही है तानी मम्मा कहाँ है मम्मा अच्छा नहीं लग रहा किचन में नहीं बहुत बुरा लग रहे हो मेरा तुम्हारी मैंने सोचा तुम्हारी शादी के आसपास आके इस तरह का कुछ कर लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा डिफरेंट लुक हो जाएगा हैं हाँ शादी की वजह से तो करवाया मैंने शादी के लिए तो करवाया थोड़ा डिफरेंट लुक हो जाएगा मेरा नहीं यार और नेट चंगा लगा लो नेट नहीं आ रहा सबको ज्यादा लग रहे हो अच्छा मैं कम्पीट कर रहा हूँ right. मम्मा को बता दे मैं कम्पीट कर रहा हूँ हाँ शादी पे शादी पे शादी पे थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा शायद हाँ ये एम ही अरूप ने रखा टैलेंट डाला था कि दिन का फंक्शन है मैंने कहा रात का फंक्शन है मैं आराम से होके आ भी जाऊंगा वहाँ यहाँ पे मैं जीत जीत लगाई हुई है वहां पता चले वो कराची से एक लड़का आ रहा हूँ मार के चला है और मैं अकेला स्ट्रांग बंदा थोड़ी हूँ और भी बहुत लोग टफ कॉम्पिटिशन होना अच्छा यार मम्मा रह गई है मम्मा के अलावा सबने मेरी जो है ना वो कुत्तों वाली कर दी है खैर महनूर की तरफ आज मैं जा नहीं सका तो इसलिए मैं सोचा कि कॉल पे बात कर लेते हैं आज का व्लॉग जो है मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे खत्म ड्रिल आप लोगों को पता है सब्सक्राइब का बटन दबाना है बस और लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अपना ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़